कहा जाता है यहाँ पे माँ का अंग गिरा था, जो 52 पीठों में से एक है, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बेनीपट्टी प्रखंड में पड़ता है। उच्चैठ दुर्गा स्थान के नाम से जाना जाता है, जो मधुबनी जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर में पड़ता है। जयनगर मधुबनी फोर लाइन से पश्चिम की ओर सड़क लाइन से शक्तिपीठ जाया जाता है, जहाँ पे छिन्नमस्तिका माँ दुर्गा विराजमान है, जो उच्चैठ दुर्गा स्थान के नाम से जाना जाता है। दरअसल शक्तिपीठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं यहाँ पे माँ का दिल गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे चप्पल जूता बाहर खोल ले और यहीं पे रख दे, रखने के बाद ही आपको अंदर जाने को यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं। देखिए ये पूरा ग्राउंड है जो आप देख सकते हो। चारों साइड के दीवार पे आपको देवी देवताओं का जो चित्र बना हुआ दिखेगा। चलिए आपको दिखा देते चारों ओर। चलिए आपको आगे की ओर ले चलते हैं, मंदिर की ओर। माँ की पूजा करने के लिए श्रृंगार के साथ चुंदरी और नारियल भी चढ़ाया जाता है। चलिए आपको अंदर की ओर ले चलते हैं। चलिए आपको तालाब की ओर ले चलते हैं। इसी तालाब में से आपको जल लेके माँ के चरणों में अर्पित करना है। कवि कालिदास जी को आप जानते होंगे, जो इसी तालाब से पार होके लाइब्रेरी में गए थे। चलिए आपको अंदर की ओर ले चलते हैं, जहाँ पे माँ की स्थापना की गई है, ये वही मंदिर है। चलिए आपको अंदर में ले चलते हैं। मैं जो आपको वीडियो बनाए हैं ये लॉकडाउन का है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अभी भीड़ देखने को नज़र नहीं आएगा आपको। जब आप दशहरा के समय में आइएगा तब यहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगा आपको। जो यहाँ से जो आपको रोड देखे हैं वहाँ से पूरा जो आपको जाने आने का इतना दिक्कत होता रहता है, जो करीब 12 बजे से लाइन लगा रहता है। चलिए आपको अंदर भी दर्शन करा देते हैं, देख सकते हो आप। चलिए आपको बाहर का व्यू दिखा देते हैं। जो आप देख रहे हैं इसमें हवन होता है, जो आप आइएगा दशहरा के समय में तो आप देखिएगा इसमें हवन होते हुए, देख सकते हो आप। Turn us
just a thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ये पहले की बात है, ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ये पहले माँ कमला बह रही थी। महाकवि कालिदास जी जो यही नदी को पार करके रेबरेरी में गए थे, जो कालिदास जी को माता ने वरदान दिया था कि एक ही रात में आपको जितना भी पुस्तक को आप स्पर्श करोगे उतना आपको ज्ञान हो जाएगा। अगर वो आपको रेबरेरी देखना है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपको हम वो भी आपको दिखाएँगे अगले वीडियो में। दुर्गा स्थान आप भी आना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैप का, वहाँ से आप विजिट करके यहाँ पे आ सकते हो। देखिए यहाँ पे धात्री का पेड़ लगाया गया है। लॉकडाउन है इसलिए यहाँ पे श्रद्धालुओं का आवागमन नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो आप कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए आपको बाहर की ओर ले चलते हैं। महाकवि कालिदास जी का आप लाइब्रेरी भी देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करके भी बताइए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि कोई वीडियो अपलोड करो चैनल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।